सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टॉप 3 फिटनेस यूट्यूबर्स और उनकी कितनी इनकम है ऑन मंथली बेसिस। सो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है एंड इसमें हम पता लगाएंगे कि कौन सा यूट्यूबर कितनी इनकम अपनी कमा पाता है मंथली एंड ये टॉप 3 यूट्यूबर्स का जो सिलेक्शन किया गया है वो उनके सब्सक्राइबर बेस एंड पॉपुलैरिटी बेसिस पे है। सो गाइस नो नथिंग अगेंस्ट एनीवन बट लाइक आई हैव टू चूज, मेरे को तीन ही लोग सिलेक्ट करने थे फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो गाइस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड ये बहुत इंफॉर्मेटिव एंड डिटेल वीडियो होने वाली है। सो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आफ्टर लाइक एंडिंग द वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड गाइस लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड कीप वॉचिंग। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइज जैसा आप देख सकते हैं कैलकुलेटर खुला हुआ है और लाइक इसका आपको मैं आइडिया देने के लिए पहले मैं अपने YouTube चैनल पे ले जाता हूँ जो लाइक मोनेटाइज हुआ था कुछ टाइम पहले ही। तो आप देख सकते हैं लाइक मेरी अर्निंग्स। सो गाइज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि प्लेबैक बेस्ड CPM क्या होता है और RPM क्या होता है और एस्टिमेट रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑन YouTube। तो प्लेबैक बेस्ड CPM बेसिकली आपका कॉस्ट होता है जो आपको मिलता है एडवर्टाइजर पेमेंट जिसकी करता है पर 1000 व्यूज। सो गाइज इसमें से कुछ पोर्शन आपका यूट्यूब ले लेता है एंड आपके पास लाइक 60-40 रेशियो होता है तो कुछ जो पोर्शन होता है वो आपको यूट्यूब ले लेता है एंड कुछ आपको मिलता है बेसिकली। सो गाइज वो आपका RPM कहलाता है लाइक $0.28 जैसे आप देख सकते हैं सामने। तो ये लाइक रेवेन्यू है $0.28 जो मुझे मिलता है पर 1000 व्यूज ऑन माई चैनल करेंटली। सो गाइज अगर आपका चैनल किसी और कंट्री का है लाइक मैं हिंदी में वीडियोज बनाता हूँ, कोई अगर इंग्लिश में वीडियोज बनाता होगा तो उसका RPM कुछ अलग होगा एंड चैनल काफी टाइम से लाइक काफी पॉपुलर चैनल है तो उसका भी RPM काफी हायर होगा, हायर साइड पर होगा। एंड ऑल्सो अगर किसी की वीडियोस काफी ज्यादा वॉच की जाती है, किसी का वॉच आवर्स काफी ज्यादा होता है तो उसका भी RPM काफी हाई होगा। तो गाइज वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा $0.28 का RPM है, $0.56 एस्टिमेट रेवेन्यू है। सो गाइज अब हम बात करेंगे कुछ यूट्यूबर्स की कि उनका कितना एस्टिमेट रेवेन्यू है एंड कैसे हम इसको चेक करेंगे। सो गाइज सोशल ब्लेड एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली आपको इन सब चीजों का आइडिया देता है तो आप गाइज चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसको यूज करके हमने इनका एस्टिमेशन लगाया है। सो गाइज तो आप देख सकते हैं पहले मैंने अपना एस्टिमेशन दिखाया है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीकली एवरेज मुझे दिखा रहा है $0.1 to $0.2 के अराउंड। सो गाइज जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पे कुछ ज्यादा व्यूज तो आते नहीं है बट लाइक ठीक ठाक व्यूज है तो उस हिसाब से रेवेन्यू कैलकुलेटेड है बट ये एक्यूरेट रेवेन्यू नहीं है। $0.1 लाइक लोअर साइड एंड $2 हायर साइड। तो मेरा जो एस्टिमेट बना है वो अराउंड $0.56 है तो लाइक 1/4 ऑफ द मैक्सिमम जो जितना मैक्सिमम उन्होंने दिखाया हुआ है। यूजुअली ये हाफ रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में या 40% या 50% लाइक इतना तो रहता ही है मिनिमम बिकॉज चैनल्स काफी पॉपुलर होते हैं। तो अब हम चेक करते हैं सबसे पहले रोहित खत्री फिटनेस का यूट्यूब चैनल कि उनकी कितनी लाइक मंथली अर्निंग है फ्रॉम यूट्यूब, डायरेक्टली यूट्यूब। इसमें हम कोई भी और सोर्स ऐड नहीं कर रहे हैं जैसे एफिलिएट मार्केटिंग या ब्रांड प्रमोशंस, इसमें सिर्फ यूट्यूब की एड रेवेन्यू की अर्निंग है। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं उनका लास्ट 30 डेज का अर्निंग $870 से $13.9K, दैट्स अ लॉट ऑफ अमाउंट, इतना है लाइक लास्ट 30 डेज में सिर्फ। सो गाइज अब इसको हम चेक करते हैं बेसिकली कि ये INR में कितना होगा एंड लाइक $14K लाइक हायर साइड पे है तो हम इसको मान के चलते हैं अराउंड $5K बिकॉज 7K इज 50%, उससे थोड़ा लो ही रहता है बिकॉज इंडियन कॉन्टेंट है और हिंदी में बनता है, इस वजह से थोड़ा रेवेन्यू जो होता है वो कम ही रहता है। और फिटनेस फील्ड का आप अगर RPM देखेंगे बेसिकली RPM जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रेट पर मिलियन व्यूज जो किसी भी यूट्यूबर को मिलता है वो $0.5 से $1 के अराउंड ही रहता है एंड $2 जाता है बट वो लाइक बाहर की कंट्रीज, US की कंट्रीज में अगर कोई बनाता है वीडियो तो नॉट फ्रॉम इंडियन कंट्रीज। सो आप इससे भी चेकआउट कर सकते हैं लाइक दोनों तरीके से, मैं आपको चेकआउट करके बताता हूँ इस वीडियो में। तो अगर हम 5K USD लें तो USD का कॉस्ट चल रहा है अभी 79, हम चेक भी कर सकते हैं
79 ले सकते हैं फॉर कैलकुलेशन परस्पेक्टिव. तो 79 को हम इंटू करते हैं 5000 से. तो गाइज जो अमाउंट बन के आता है वो लाइक काफी बिग अमाउंट है, 3,95,000 जस्ट फ्रॉम यूट्यूब अर्निंग्स. सो लाइक इट्स अ लॉट ऑफ अमाउंट. सो गाइज आप देख सकते हैं लाइक 4 लाख के अराउंड रोहित खत्री फिटनेस फ्रॉम हिज यूट्यूब चैनल, जो मेन चैनल है उनका, दूसरा चैनल नहीं, ब्लॉगिंग चैनल नहीं, मेन चैनल से ही अर्न कर लेते हैं बिकॉज ही हैज अ वेरी गुड ऑडियंस एंड काफी ज्यादा वॉच टाइम आता है. तो लाइक 4 लाख इज अ लॉट ऑफ अमाउंट. सो गाइज जो दूसरा तरीका है उससे भी मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ या फिर आपको एक हिंट दे देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है. आप इस वाले नंबर को, जैसे जितने व्यूज हैं, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना $0.5 से या $0.4 से, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि थोड़ा लाइक एक और एस्टिमेशन मिल जाएगा और दोनों का आप एवरेज दे देना, तो इससे भी आपको आइडिया लग पाएगा कि कितनी अर्निंग है. सो गाइज अभी हम इसको 4 लाख मान के चलते हैं. सो गाइज 4 लाख अर्निंग एंड इनके चैनल पे तो 4.87 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. तो इतना तो हम लाइक एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इतनी अर्निंग उनकी होती होगी. सो गाइस जो नेक्स्ट चैनल मैंने लिया है वो जस्ट इसलिए लिया है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो कि ज्यादा सब्सक्राइबर्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी अर्निंग भी काफी अच्छी हो रही हो, लाइक यू हैव टू कीप पोस्टिंग ऑन योर चैनल. सो गाइस जो दूसरा चैनल है वो सर गौरव तनेजा का है, फ्लाइंग बीस्ट, वी ऑल नो हिम. तो फिट मसल टीवी, ये इनका लाइक फिटनेस चैनल है, नॉट द फ्लाइंग बीस्ट ऑन विच ही पोस्ट कॉन्टेंट रिगार्डिंग लाइक ब्लॉगिंग एंड अदर स्टफ. तो ये गाइज इनका फिटनेस चैनल है. तो इस पे आप देख सकते हैं जैसे अभी काफी कम व्यूज आते हैं बिकॉज वो पोस्ट ही नहीं करते हैं, लाइक ही जस्ट रेयरली पोस्ट ऑन दैट चैनल. आई डोंट नो व्हाई ही डोंट पोस्ट इट, ही आई हैव नो आइडिया. बट जैसे आप देख सकते हैं इस पे इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वो भी नहीं है व्यूअर काउंट एंड इतना ज्यादा अमाउंट भी वो अर्न नहीं करे, बट इट्स अ गुड अमाउंट कि उनकी पुरानी वीडियोज ही स्टिल अर्न करके दे दी है उन्हें. तो गाइस आप देख सकते हैं 376K यहाँ पे अमाउंट मेंशनड है. तो इसको भी हम हाफ करते हैं 6K को, 6K का लाइक 40% लेते हैं, अराउंड 40-45%. तो इसको हम 2500 USD मान के चलते हैं. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इनटू 79 तो जो अमाउंट बन के आता है वो भी काफी अच्छा है, लाइक 2 lakh INR. That's a lot of amount for someone. Even like good software developers don't earn that much. So काफी अच्छा amount है. Even when वो post नहीं करते कुछ भी अपने channel पे, like उनकी old videos ही है सिर्फ जो channel पे हैं और उनको कमा के दे रही हैं. So like it's around 2 lakh rupees. You can take it 2 lakh rupees in INR. So ये एक channel है. And दूसरा जो एक और चैनल का मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो है लाइक अभिषेक यादव चैनल. ही इज अ वेरी गुड लाइक फिटनेस इन्फ्लुएंसर और लाइक काफी अच्छे उनकी वीडियोस रहती हैं और काफी अच्छे व्लॉग्स रहते हैं. मैं सारे व्लॉग्स देखता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी ऑफ हिज व्लॉग. तो बेसिकली उनके आप देख सकते हैं 584K सब्सक्राइबर्स हैं एंड स्टिल उनका जैसे आप रेवेन्यू देखेंगे वो अराउंड एंड अराउंड रोहित खत्री फिटनेस के अराउंड ही है. क्यों, इसका रीजन क्या है? क्योंकि उनकी जो वीडियोज हैं वो काफी ज्यादा वायरल रहती हैं, काफी ज्यादा लोग उसको वॉच करते हैं और वो काफी ट्रेंडिंग रहती हैं वीडियोज, लाइक आपके इन फीड में बहुत जल्दी आ जाती हैं एंड वो कंटेंट बहुत रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं. तो आप गाइस चेक कर सकते हैं इनका लास्ट 30 डेज का रेवेन्यू ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट इक्वल है रोहित खत्री फिटनेस के रेवेन्यू से. सो गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अर्न कर रहे होंगे अभिषेक यादव इस वाली चीज से भी. एंड जो लाइक नेक्स्ट हमने लाइक अपना लिया है फिटनेस इन्फ्लुएंसर, दैट इज आर ओन रोडी, दैट इज रूबल धाकर. बिकॉज इनके भी काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, काफी ज्यादा फॉलोइंग है ऑन यूट्यूब, 2.18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड दैट्स अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स. सो गाइस आप देख सकते हैं ये कंपैरेटिवली काफी रेगुलर पोस्ट करते हैं, बट आप देख सकते हैं कि इनका काफी अच्छा है, इनका ऑडियंस भी काफी अच्छा है और इनका लाइक व्यूअरशिप भी काफी अच्छी है. तो इनका जो रेवेन्यू है वो 9K USD तक जाता है. तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप 4K USD ले सकते हैं इसको और लाइक 4K इनटू अगर आप डायरेक्ट 80 कर दे तो मैं आपको ओरली बता सकता हूँ 3,20,000 अमाउंट हो जाता है. एंड सो यू कैन गेस लाइक 3 लाख इज अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब एडसेंस ऑन मंथली बेसिस. सो गाइज ये एक बेसिक एस्टिमेट था, कोई भी शॉर्ट शॉर्ट तरीका नहीं है लाइक एस्टिमेट करने का बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि उस टाइम कौन से स्पॉन्सर्स हैं, कौन लोग वीडियोस पे अपनी एड रन कर रहे हैं एंड लाइक फॉर एग्जांपल कभी हॉर्लिक्स वगैरह की एड होती है अक्षय कुमार की तो काफी ज्यादा एड रेवेन्यू इकट्ठा होता है, कभी एक बार इतना एड रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता. तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं बट इससे आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा
that Ruben Hakkar is earning around 3 lakhs of INR from his only from his YouTube channel. And that's a lot of amount. Like, agar aap mujhse puchenge, that's really a lot of amount to earn from YouTube. And also taking nothing away from all these poor fitness influencers, like they have worked really very hard aur bahut time se is industry mein hai, is wajah se hi inki itni following hai aur unka content bhi kafi acha hai. Like I can say about some of the YouTubers ki kafi acha content hai and bahut regularly deliver karte hain. So guys, agar aapko ye video achhi lagi to thumbs up de dena, like kar dena, and this type of content you want to see more, so guys let me know in the comment section below and subscribe to my channel, and thank you for watching. Stay tuned.